तो मैं आप लोगों को 2024 में बाइबल से 12 मूल्यवान पाठ को बताना चाहता हूँ। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, याद करना चाहते हैं तो याद कर लें। तो ये 12 बातें जो हैं 2024 के लिए बाइबल से 12 जो मूल्यवान पाठ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पाठ जो मैं बताना चाहता हूँ नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहली बात, ट्रस्ट इन द लॉर्ड्स प्लान, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। हर एक इंसान जो हम लोग हैं हमारे अपने जीवन के लिए योजनाएं हम बनाते हैं। 2023 में हमने योजना बनाई होगी और 2024 में भी हम अपनी योजना बनाएंगे, लेकिन ट्रस्ट इन द लॉर्ड्स प्लान, परमेश्वर के योजना पर भरोसा रखें। क्योंकि आप और मैं पल भर में क्या होगा नहीं मालूम, पल भर में हमारे जीवन में क्या होगा हमें नहीं मालूम, पर आपको मुझे जो नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 वचन इस प्रकार से कहते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि आप और मैं नहीं जानते क्या होगा 2024 में, क्या होगा पल भर में क्या होगा, तो इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। और एक सटीक सा उदाहरण हमारे पास है बाइबल से, सोलोमन। सोलोमन जो राजा है बना, उससे पहले कोई साधारण सा एक व्यक्ति था और वहाँ की व्यवस्था के अनुसार राजा दाऊद का जो बेटा अब्सलोम है या उसका जो बड़ा बेटा है उसको राजा बनना था। वहाँ की व्यवस्था पर था, वहाँ की संस्कृति ये थी और राज पद भी उसे मिलनी थी। पर सोलोमन ने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर मुझे मिलेगा। लेकिन एक बात जो निश्चित है, सोलोमन का जो भरोसा है परमेश्वर पर था, क्योंकि जब आगे के उसके इतिहास को आप पढ़ेंगे तो हर बात के लिए सोलोमन जो है परमेश्वर के पास जाता है, कहता है, हे प्रभु आप मुझे बुद्धि दें, हे प्रभु आप मुझे समझ दें, हे प्रभु आप मुझे गाइड करें, हे प्रभु तेरी प्रजा को मैं कैसे मार्गदर्शन कर पाऊंगा। तो सोलोमन का जो भरोसा था अपने पर नहीं था, किसी इंसान पर नहीं था, उसका भरोसा जो है परमेश्वर पर था। और वही सोलोमन अपने अनुभव से इस बात को लिखता है नीति वचन 3:5 में, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। 2024 आप नहीं जानते क्या होगा कैसे होगा, संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखें, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। और आप अपने लिए भी योजना बनाए, ये नहीं कि अपने लिए योजना ना, अपने जीवन के लिए योजना बनाए, अपने जीवन के लिए प्लानिंग बनाए, अपने काम के लिए योजना बनाए, हर एक चीज के लिए योजना बनाए, पर उस योजना को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहें, प्रभु ये प्लानिंग मेरी है लेकिन संपूर्ण मन से मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, इसको करने के लिए आप मेरी मदद और सहायता करना। पहली बात, ट्रस्ट इन द लॉर्ड्स प्लान, प्रभु की योजना पर भरोसा रखें। दूसरी बात, याकूब उसका 1:5 कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलहन दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जो दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ ये है, सीक विजडम, बुद्धि को खोजें। और हर एक इंसान जो हम इस संसार में रहते हैं हमें बुद्धि की आवश्यकता है, हमें समझ की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि जिस संसार में आप और मैं रहते हैं यहाँ पर जानकारी की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है आपके पास, आपके फ़ोन में जानकारी है, सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिलती है, सारी चीज़ें जो हमारे फिंगर टिप्स में वो सब जानकारी आज हमारे पास है। लेकिन हमें क्या आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। और इसके लिए भी सटीक सा एग्जाम्पल बाइबल में हमें मिलता है, सोलोमन। सोलोमन जो राजा है, परमेश्वर ने कहा, सोलोमन मांग, तू क्या मांगता है मुझसे? और वो कहता है, हे परमेश्वर, इस बड़ी प्रजा का न्याय करने के लिए, इस बड़ी प्रजा को चलाने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है, सोलोमन राजा के जैसे ना कोई बुद्धिमान था, ना है, ना कोई होगा। प्रियो, आपको मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। जिस समाज में आप और मैं रहते हैं, अपने घरों में हमें बुद्धि की आवश्यकता है, अपने कार्यस्थल में हमें बुद्धि की आवश्यकता है, हमें बुद्धि की जरूरत है। और 2024 में परमेश्वर से कहें, हे प्रभु अपनी बुद्धि से मुझे अभिषेक करें जैसे राजा सोलोमन को आपने दिया। और उसके जीवन से जब आप पढ़ेंगे, उसके सामने एक ऐसे चुनौती का समय आ जाता है, 2 महिलाएं उसके सामने आती है और दोनों कहती है, मेरा बेटा है। सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। राजा सोलोमन देखे उसकी बुद्धि के तर्क देखे, उसने उस बालक को लिया और कहा, इस बालक का 2 हिस्सा कर दो। जो असली माँ थी उसने कहा, नहीं, इस बच्चे को उसको ही दे दो। सोलोमन ने उसको पहचान लिया, कहा, ये सच्ची माँ है।
परख देखिए बुद्धि की। तो आपको मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, जैसे जसवंत सर भी अपने अनुभव से कह रहे थे, आज एक्सपीरियंस उन्होंने किया कि इस तरीके से लोग ऐसे चीटिंग कर रहे हैं। साइबर क्राइम जो है बहुत प्रबल हो रहा है, बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, परख की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। तो परमेश्वर से मांगे प्रभु, इस पापी संसार में, इस संसार में जहाँ ज्ञान की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, इस संसार में प्रभु हमें बुद्धि दे, ताकि हमारा जो जीवन है आशीष में रहे, हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। तो दूसरी बात, परमेश्वर से क्या मांगे? बुद्धि मांगे राजा सोलोमन के समान, क्योंकि पैसा आएगा चला जाएगा, सब चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन बुद्धि आपके पास रहेगी और बुद्धि आपको उन पैसों को सही इस्तेमाल करने के लिए मदद करेगी। अगर आप नौकरी मांगेंगे, नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि वो है जो परमेश्वर से हमें मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ों को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन चीज़ बोलनी है, कौन सा काम कहाँ पर करना है, उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। वो बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर हमें वो बुद्धि देगा। तो दूसरी बात, इस 2024 में परमेश्वर से कहें, प्रभु बुद्धि से मेरा अभिषेक करें, पवित्र आत्मा से आप मेरा अभिषेक करें, और परमेश्वर निश्चित देगा। ये याकूब 1:5 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो माले खोला जाएगा, मत्ती 7:7 में लिखा है, और याकूब कहता है 1:5 में, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उद्धारता से देता है। तो दूसरी बात जो है, बुद्धि परमेश्वर से मांगे। तीसरी बात, इपीसी उसका 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हूँ, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जो मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस यानी क्षमा का अभ्यास करें। क्षमा का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है, फॉरगिवनेस एक गुण हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आज मालूम है समाज में सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो समस्या ये है, क्षमा न करना। जब आप मैं दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, ये उस प्रकार से जैसा लोहे में जो जंग लग जाता है, पता नहीं चलता है कब वो लोहे को ख़त्म कर देता है, उसी प्रकार से अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, वो आपके जीवन में जंग का काम कर रहा है और धीरे धीरे आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्षमा करना सीखे, परमेश्वर से कहें, हे प्रभु ऐसा गुण मुझे दे, अगर किसी ने मुझे चोट पहुँचाई है तो मुझे क्षमा का हृदय दे, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर सकूं। ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह एक सटीक से उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह ने जिनकी मदद की वही उनके खिलाफ हो गए। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब में थे, उन्हें मारा गया और उनके ऊपर थूका गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सलीब से मालूम क्या कहते, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते या क्या कर रहे हैं। क्षमा का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, ये स्वभाव अगर आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर से कहें, प्रभु ये स्वभाव मेरे अंदर दें। मैं अपने जीवन में इसको अभ्यास करता हूँ। मैं अपने बेटे को या परिवार को जब भी कभी डांटता हूँ किसी विषय के ऊपर, मैं उनसे बाद में क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपको डांटा, ये कारण था। ये स्वभाव रखना बहुत ज़रूरी है, क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं मांगे, आपके अंदर कड़वाहट, बिटरनेस आपके अंदर वो रहता है, और धीरे धीरे आपको ये डिस्ट्रॉय करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रभु से कहें, प्रभु क्षमा का हृदय मुझे दें, और परमेश्वर निश्चित हमें देगा। तो तीसरी बात जो है, आप हमें इस 2024 में जो है एक प्रैक्टिस करें फॉरगिवनेस की, क्षमा का जो अभ्यास करें, दूसरों को क्षमा करने का अभ्यास रखें। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12:1 उसके 31 में लिखा है, और यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। जो मैं चौथी बात आपको बताना चाहता हूँ वो है, लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। देखो, प्रेम जो है इससे बड़ा इस संसार में और कोई चीज़ नहीं, प्रेम से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। प्रेम जो है पूरे सृष्टि को एकजुट में करता है। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं है। तो प्रेम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रभु यीशु मसीह पूरी बाइबल के सारांश दो आज्ञाओं में करते हैं, परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, इसके लिए एक सटीक से उदाहरण दयालु सामरी है। दयालु सामरी का उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है कि जो है एक व्यक्ति रोड में जब जा रहा था, चोर और डाकू ने उसे मार करके अधमरा रोड में छोड़ दिया, और जब उसे रोड में छोड़ दिया
ये व्यक्ति जो है बेसहारा, और वहां से याजक गुजरा, उसने भी उसे अनदेखा किया, चल दिया। लेवी वहां से निकला, अनदेखा किया, चल दिया। वहां पर एक दयालु सामरी आता है और उसे अपने जो गधे में लेकर के सराही में लेके जाता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। और फिर जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा, अगर और भी खर्चा कुछ हो जाए तो मैं उसे दे दूंगा, आप इसका ख्याल करना। प्रियो, कौन हमारा पड़ोसी है? हमारा पड़ोसी एक्चुअली वो है जो जरूरतमंद में, कोई भी हो सकता है, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई भेद, कोई भाव नहीं है। हर एक वो व्यक्ति जो जरूरत में है वो हमारा पड़ोसी है। यही शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो देना चाहते थे। 2024 आप और मैं इसको अपने जीवन में लागू करें, ये लागू करें कि हर एक व्यक्ति जो जरूरतमंद में है उसकी मदद और सहायता करें। वो सराय, वो जगह है, वो चर्च है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के जितने पापी हैं और रोग में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, उस व्यक्ति को उस सराय में लेके आए। वो सराय वो चर्च है और प्रभु यीशु मसीह दोबारा कलीसिया के लिए आ रहे हैं। आप और मैं जो आज बीमारी में हैं, रोग में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में संसार में लोग हैं, आप और मैं उनके मददगार बने। किसी भी माध्यम से आप और मैं उनकी मदद कर सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, उनकी मदद करें। क्योंकि जब आप उनकी मदद करते हैं तो आप उनकी नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर तुम उन छोटे में से छोटों के साथ जो करते हो वो मेरे साथ करते हो। जब आप और मैं उनकी मदद करते हैं तो आप और मैं एक्चुअली वास्तविकता में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मदद कर रहे हैं। तो चौथी बात वो है अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। आपका पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन? हर एक व्यक्ति जो जरूरतमंद में है, जो जरूरत में है, आप उनका और मैं उनका सहयोग करें। 2024 में ये अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, फिलिपियों उसका 2:3 वचन इस प्रकार से कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जो मैं पांचवी बात आपको बताना चाहता हूँ ये है इम्ब्रेंस ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता को अपनाएं। विनम्रता को अपनाना बहुत जरूरी है और इसका उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है मूसा। मूसा वो व्यक्ति था, इजरायली जो है बहुत ही हटीले लोग थे, अनाज्ञाकारी थे, कुड़कुड़ाने वाले थे, दोष लगाने वाले थे, बहुत ही एक दूसरे शब्दों में कहें तो इतने ढीठ लोग थे, उनको कोई बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मूसा जो है फिर भी इन लोगों की अगुवाई करता, उस मिस्र की गुलामी से उन्हें कनान देश में लेके जाता है, मिस्र की गुलामी से उन्हें कनान देश लेके जाता है। आप और मैं जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप और मैं रहते हैं, परिवारों में भी आप देखेंगे, समाज में भी देखेंगे, जहां आप कार्य करते हैं आप वहां पर भी इस प्रकार से लोगों को देखेंगे। हटीले लोग हो सकते हैं, अनाज्ञाकारी लोग हो सकते हैं, विरोधी लोग हो सकते हैं, विद्रोही लोग हो सकते हैं, चुगली करने वाले लोग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। क्या आप और मैं उनको आगे अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे? और मूसा ने वो किया विनम्रता के साथ। विनम्रता का जो स्वभाव है उसके जीवन में था, उन सबको कनान देश में लेके चला गया। तो आप और मैं कई बार ये अक्सर होता है, लोग जो हैं बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं और ऐसे लोगों के जो है जल्दी लोग पसंद भी नहीं करते हैं, जो इस प्रकार के हटीले, अनाज्ञाकारी, ढीठ लोग होते हैं, लोग कोई भी पसंद नहीं उन्हें करते हैं। पर क्या आप और मैं मसीह लोग ऐसी जिम्मेवारी लेंगे उनको भी उस मिस्र की गुलामी से, यानी उस बुरे स्वभाव से बाहर निकाल करके अच्छे स्वभाव का नाम देश में लेके जाएंगे? ये लक्ष्य रखें। अगर इस प्रकार के लोग भी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में, समाज में, चारों तरफ हैं, तो एक विनम्रता का स्वभाव के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा किसी का जीवन बच सकता है। और मूसा ने इन हटीले लोगों को परमेश्वर के राज्य में वारिस कराया। तो आज पाप के कारण लोग हटीले हो चुके, विद्रोही हो चुके हैं। क्या आप और मैं मूसा के समान उनकी अगुवाई करेंगे? परमेश्वर हमारी मदद करेगा, ऐसा गुण अपने अंदर रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मूसा के समान मुझे बना ताकि मैं भी विनम्रता के साथ ऐसे लोगों को बाहर निकाल सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उस मिस्र की गुलामी से उनको कनान देश में लेके जाऊं। तो परमेश्वर हमारी निश्चित मदद और सहायता करें। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 11:3 कहता है, सीधे लोग अपनी खराई या ईमानदारी से अगुवाई कर पाएंगे या अगुवाई कर पाते हैं या आगे चल पाते हैं। जो मैं छठी बात आपको बताना चाहता हूँ वो है वॉक इन इंटेग्रिटी,
ईमानदारी से चलें, वॉक इन इंटेग्रिटी, ईमानदारी से चलें। आप मैं यूसुफ के जीवन को जानते हैं। यूसुफ जो है बाइबल में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय में उसका जीवन हमें मिलेगा। हालांकि यूसुफ एक दास होकर के मिस्र देश में फैरो के यहाँ एक दास था, गुलाम था, और ये गुलाम जो है फिर भी वफादार और विश्वास योग्य रहता है। यूसुफ पोतीपर के घर में विश्वास योग्यता के साथ काम करता रहा, एक दास बन करके काम करता रहा, और परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को जानता था। परमेश्वर जानता था कितनी वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ वो काम करता है। परमेश्वर उसको सब चीज़ों को जानता था। और परमेश्वर ने देखिए, एक गुलाम, मिस्र देश का गुलाम लड़का उसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या है आपके लिए मेरे लिए पाठ, क्या आप हमें सीख सकते हैं, वो ये है वॉक इन इंटेग्रिटी, ईमानदारी के साथ चलें। जब आप हमें ईमानदार होते हैं ना, भले लोग आपको मजाक बनाएंगे, लोग सोचेंगे ये बेवकूफ़ है, लोग आपकी मजाक बना सकते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोग आप बेवकूफ़ बोल सकते हैं, पर अगर आप ईमानदारी के साथ जीवन जीने वाले हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा। और जब परमेश्वर उठाता है, कोई शक्ति नहीं आपको नीचे गिराने वाली। ईमानदार बने अपने काम में, जहाँ भी आप काम करते, घर में ईमानदार रहें, अपने कार्यस्थल में ईमानदार रहें, जहाँ पर भी परमेश्वर आपको रखता है वहाँ पर ईमानदार रहें। क्योंकि आपको कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। जब परमेश्वर ईमानदार लोगों को उठाता है, कोई उन्हें गिरा नहीं सकता है। यूसुफ को जो परमेश्वर ने उठाया, कोई उसको गुलाम नहीं बना सका, वो प्रधानमंत्री बन गया। तो परमेश्वर हमें उठाना चाहता है, लेकिन उनको परमेश्वर उठाता है जो ईमानदार है। आजकल संसार में बेईमानों की कमी नहीं है, बेईमान आपको हर घड़ी में हर जगह मिलेंगे, ईमानदार बहुत ही गिने चुने लोग हैं। और जो ईमानदार हैं, लोग उनकी मजाक बना, अरे बेवकूफ़ देखो, क्या ईमानदारी का पाठ पढ़ा करके क्या करेगा। लेकिन ईमानदार लोग जो हैं लॉन्ग रन में वही सफल होते हैं। शॉर्टकट में बेईमान हो जाते हैं, लेकिन जब शॉर्टकट में वो बेईमानों को जब पकड़ा जाता है ना, तो फिर उनके हाल बड़े बेकार हो जाते हैं। ईमानदार बने रहे, झूठ ना बोले, सच्चाई का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए। और जब ईमानदारी का जीवन जिएंगे आप, आपके ऊपर दोष लगेंगे। यूसुफ के ऊपर दोष लगा, उसको कहा गया इसने तो ऐसा किया था, झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया, लेकिन परमेश्वर जानता है ईमानदार लोगों को। तो ये गुण अपने जीवन में रखें, यूसुफ के समान वॉक इन इंटेग्रिटी, ईमानदारी से चले। तो छठी बात जो है आप अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। अगली बात, यहोना उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाड़स और विश्वास रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं जो सातवीं बात आपको है बताना चाहता हूँ, वह है हैव फेथ इन चैलेंजिंग टाइम। चुनौतीपूर्ण समय में विश्वास रखें। इसके लिए बाइबल में एक सुंदर उदाहरण है अय्यूब के जीवन में। जब चुनौती आई, जब चैलेंजेस आए, मालूम अय्यूब के परिवार में सब कुछ था, पैसा था, अच्छा खुशहाल परिवार था, बेटा था, बहुएं थे, पशु थे, धन था, दौलत सब कुछ था, लेकिन एकदम ऑल ऑफ सडन उसे जानकारी मिलती है आपकी बेटियां जो मर गई, आपके पशु मर गए, सब खत्म हो गया। ऐसी समय में भी अय्यूब मालूम है क्या कहता है? अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। क्या आप मैं ऐसी चुनौतियों के समय में, क्या आपका भरोसा विश्वास परमेश्वर पर रहता है? जब आपके जीवन में सुख हो तो सब धन्यवाद करते हैं, जब दुख हो सब भूल जाते हैं। दुख में जो स्मरण करें वही सच्चा सेवक है। और अय्यूब हमें वो मिलता है कि अय्यूब जो है चुनौती, जब मुश्किलें थी, समस्या थी, उस समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब आपके जीवन में रोग आए, आर्थिक तंगी आए, परेशानी आए, मुश्किलें आए, संकट आए, कष्ट आए, उस समय भी अय्यूब के समान कहें हे प्रभु मैं आप पर भरोसा रखूंगा। तो ये जो सातवीं बात है 2024 में अपने जीवन में रखें, प्रभु मुश्किलें आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, मेरा भरोसा आप पर रहेगा, और प्रभु निश्चित अय्यूब के समान आपको मुझे बाहर निकालेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने चौगुनी आशीष से दी। आमीन। जो विश्वास योग्य लोग रहते हैं, चुनौतियों में भी जो गिवअप नहीं करते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाता है, और जो उठाता है कोई शक्ति नहीं उन्हें गिराने वाली। तो परमेश्वर आपको मेरी भी मदद हो। शायद अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है पहले 5 अध्याय
18 वचन में लिखा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जो आठवीं बात आपको बताना चाहता हूँ यह है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी धन्यवादी हृदय जो है, हर बात में धन्यवादी हृदय रखें बहुत जरूरी है। इसके लिए पौलुस एक अच्छा उदाहरण बाइबल में है। और मालूम है पौलुस एक बहुत ही बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छे समृद्ध अच्छे परिवार से था, अच्छी उसकी नौकरी थी। अगर आज वर्तमान समय में कंपेयर किया जाए तो एक एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सनहेड्रिन का एक सदस्य था। सनहेड्रिन का सदस्य उन जमाने में होना मतलब एक बहुत अच्छी पदवी थी, एक अच्छा ओहदा उसका था, अच्छी रिपुटेशन उसकी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा उसका जीवन था। लेकिन पौलुस मालूम है क्या कहता है, पौलुस इस बात को कहता है कि हे प्रभु, इन संसार के सब चीज़ों के लिए उनको मैं कूड़ा करकट समझता हूँ, कंपेयर जब उन चीज़ों को कंपेयर करता हूँ आपके सामने। और वो धन्यवाद करता हर परिस्थिति में, उसे कई बार कोड़े लगे, कई बार पत्थर बाव हुआ, कई बार जहाज टूटा, कई बार भूखा रहा, कई बार प्यासा रहा। जब आप कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ोगे, उसके दुख और कष्टों की जब आप लिस्ट पढ़ोगे, आपको रोना आ जाएगा। ऐसे दुख ऐसे कष्टों से व्यक्ति गया जो एक अच्छा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारा पैसा, सब कुछ उसके पास था, वो सब चीज़ों को छोड़ता हुआ भी धन्यवादी हृदय उसका। देखिए क्या आपका मेरा ऐसा धन्यवादी हृदय है, धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवादी हृदय रखना बहुत जरूरी है, हर बात में भी धन्यवादी रहें। धन्यवाद तब करना आसान है जब हमें कोई गिफ्ट दे दे, धन्यवाद तब करना आसान है जब हमारा सैलरी पैकेज अच्छा हमें मिले, धन्यवाद तब देना आसान है जब किसी ने हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट पेश किया, अच्छे शब्द हमें कहे, या कुछ ब्लेसिंग हमें मिला, तब धन्यवाद करना आसान है। लेकिन क्या आप मैं धन्यवाद परमेश्वर को समय भी करते हैं जब आपके परिवार में ट्रेजडी हो जाती है। और एक अच्छा सा उदाहरण, मुझे शिमला में हमारे विश्वासी हैं और वो परिवार को देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। उनका एक जवान बेटा ऑल ऑफ सडन बीमार पड़ा और बीमार होने से बहुत ही सीरियस हो गया। परिवार के सदस्यों ने कहा, भाई पूजा पाजा कर लो, तुम लोग मसीह में चले गए इस वजह से शायद आपका बेटा हो रहा। उन्होंने कहा, नहीं हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, उसी से प्रार्थना करेंगे। और मालूम है ट्रेजेडी ऐसी हुई, वो बालक की मौत हो गई, 16-17 साल का लड़का। परिवार के लोगों ने कहा, हमने बोला था ना तुम्हें कि तुम लोग वापस आ जाओ। मालूम है वो महिला ने क्या कहा, मेरा प्रभु विश्वासी के परमेश्वर है, भले मेरा बेटा संसार से चला गया, मेरा बेटा आज यीशु की गोद में है। और माँ बड़ी दृढ़ता के साथ ऐसी कह पाई और कहा अपने रिश्तेदारों, कहा अपने प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या आप मेरा ऐसा हृदय है जब अपना जिगर का टुकड़ा चला जाए उस समय भी धन्यवादी का हृदय आपका उतरता है, वो है सच्चा कृतज्ञता का हृदय। ऐसा हृदय होना बहुत जरूरी है। तो जो आठवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, धन्यवादी जो हृदय बना के रखें, हर बात में धन्यवाद करें। ये मैं अपने पर्सनल अपने जीवन में इसका अभ्यास करता हूँ। जब भी मेरे जीवन में कष्ट या मुश्किलें आती है, मैं प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप समझ नहीं पाएंगे, एक मैजिक है, सारी परिस्थितियाँ जो आपके ना टलना हो शुरू हो जाएगी, आपकी मुश्किलें जो हैं वो टलना शुरू हो जाए। आप किसको प्रैक्टिस करें, जब भी कष्ट आए, मुश्किलें आए, परेशानियाँ आए, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु धन्यवाद तेरा, मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर ये जो संकट कष्ट आया है, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप निश्चित इसको बदल सकते हैं और प्रभु निश्चित उसको बदलेगा। तो इसको अभ्यास को अपने जीवन में रखें। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार से कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में भी हूँ उसी में संतोष करूँ। 9वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ है बी कंटेंट, संतुष्ट रहें। और इसके लिए अच्छा उदाहरण अय्यूब भी है। जब अय्यूब के जीवन से सब चला गया, वापस चला गया, इवन उसकी पत्नी ने कहा, अरे अय्यूब क्या करता है भाई तू, उस परमेश्वर को क्या कर, तोहीन कर उसकी, उसने सब कुछ तुझसे छीन लिया है, उसकी मजाक बना, उसको छोड़। लेकिन कहता नहीं, हे मूर्ख स्त्री, हे मूढ़ स्त्री, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है, मैं कैसे उस परमेश्वर को तोहीन कर सकता हूँ मैं। क्या आप मैं संतुष्ट हैं, संतुष्टि हृदय रखना बहुत जरूरी। कष्टों में भी जो भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें। इवन उसका अपना शरीर भी फोड़ों से फट गया था, उस समय भी वो संतुष्टि के साथ परमेश्वर पर धन्यवाद करता रहता है। संतुष्ट रहें।
जो भी आपके पास परमिशन दे उसमें संतुष्टि रखे। ये नहीं कि आपके अंदर अच्छी अच्छे घर की इच्छा नहीं होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी की इच्छा नहीं होनी चाहिए, अच्छे अच्छी चीज़ों की इच्छा नहीं, इच्छा रखें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। लालच न करें, लालच न करें, ग्रीडी ना बने। जब आप हमें लालची हो जाते हैं एक्चुअली हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। संतुष्ट रहें जो आपके पास है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु आपको निश्चित मुझे और आपको देगा। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। 10वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण स्टीफन है। स्टीफन का ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन स्टीफन जो है बाइबल में प्रेतों काम हमें 7 अध्याय में मिलता है, जो खाने पीने की सेवा करता था, दूसरों की मदद करता था, खाना लोगों को खिलाता था। प्रियो जैसे भी गुण आपके अंदर परमेश्वर ने दिए उससे दूसरों की मदद करें। जो भी गुण आपके पास है, किसी को खाना बनाने का गुण हो सकता है, किसी को खिलाने का हो सकता है, किसी अतिथि सत्कार का हो सकता है, किसी को अच्छे शब्द कहने का हो सकता है, कोई ना कोई गुण परमेश्वर ने आपको मुझे दिए, उसी के द्वारा दूसरों की क्या करें, सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जो कर सकते थे मनुष्यों के लिए उन्होंने किया। जो आपको गुण परमेश्वर ने दिया है उस गुण के द्वारा दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, क्योंकि जो आपको दिया गया उसी का लेखा आपसे लिया जाए। जो तोड़ा आपको दिया गया उसी तोड़े का लेखा आपसे लिया जाए। अगर मुझे 10 दिया गया तो मुझसे 10 का लेखा लिया जाएगा, अगर आपको 5 दिया आपको 5 का लिया जाएगा। यानी जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसी के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर परमेश्वर की सेवा आप कर सकते, क्योंकि यह संसार परमेश्वर की सृष्टि है और आप हर एक मनुष्य की मदद विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। तो प्रभु हमें आशीष दे। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है मत्ती उसका 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो इस संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। जो 11वीं बात आपको बताना चाहता हूँ वो है सीक राइचसनेस, धार्मिकता को खोजें, धार्मिकता को खोजें। और इसके लिए बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है नूह को उदाहरण। और मालूम है बाइबल कहती है कि नूह के समय में लोग पाप में थे, व्यभिचार में थे, गलत गलत काम कर रहे थे, लेकिन नूह उस समय भी धर्मी रहा, धर्मी बना रहा है। और नूह के द्वारा ही परमेश्वर ने नूह का परिवार और नूह का जीवन और पूरे जो सृष्टि में आज पशु पक्षी देखते हैं नूह के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, यानी धर्मी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बचाया। मैं सोचता हूँ नूह ने उस जहाज के अंदर इतने जानवरों को रखा, उनका 120 दिन का भोजन आप मैं सोच नहीं सकते कहाँ से उसने स्टोर किया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे कहता है ना कि पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, संसार की सारी वस्तु तुम्हें, परमेश्वर इंतजाम कर रहा था सब कुछ अंदर, सब इंतजाम परमेश्वर करता है। तब जब आप हमें पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरे करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान, धार्मिकता का सिंपल मतलब है परमेश्वर के वचन का पालन करना, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना, वही लोग धर्मी हैं। जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वही लोग धर्मी हैं। ओके, मैं आगे लास्ट अंतिम वचन जो आपको बताना चाहता हूँ वो है फिलिपियों उसका 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। जो 12वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है ट्रस्ट इन गॉड्स प्रोविजन, ट्रस्ट इन गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर के प्रावधान पर क्या रखें, भरोसा रखें। और मालूम है बाइबल में इसका सुंदर उदाहरण है एलिया का। एलिया को परमेश्वर, अकाल जो पड़ा हुआ था, अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया को मालूम है किसके द्वारा भोजन खिलाया, एक कौवे के द्वारा। आप सोच, कौवे का स्वभाव मालूम है चोरी करता है, वो खिलाता नहीं वो खाता है, आपके कटोरी से भी चोरी करके लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर देखिए एक कौवे के द्वारा एलिया को क्या करता है, खिलाता है। यानी जब अकाल पड़ा हुआ था, मुश्किलें थी, समस्या थी, कष्ट थे, परमेश्वर ने उस समय एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है, परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं ना, परमेश्वर उनके लिए सब चीजों को उपाय करता है। इवन एलिया ने कभी सोचे भी नहीं कौवे के द्वारा खाने को मिलेगा, जो आप में कभी सोचते भी नहीं वो इंतजाम परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए करता है। इसराइलियों ने 40 साल तक कभी सोचा नहीं जंगल में कहां से 6 लाख लोगों के लिए रोटियां आएंगी, पानी मिलेगा,
परमेश्वर उन्हें जंगल में पानी पिला रहा था और स्वर्गीय रोटी मन्ना खिला रहा था। आमीन। जो आप मैं सोचते नहीं, कहां से होगा, कैसे होगा, प्रभु हमारे लिए कैसी जरूरतें पूरी होगी, परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा करेगा जो आप कभी सोचते भी नहीं है। वो है परमेश्वर, जो जब आप मैं उसके प्रोविजन पर जब भरोसा रखते हैं, यानी परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखे, परमेश्वर सब चीजों का इंतजाम करेगा। तो 2024 आपके परिवारों के लिए, आपके जीवन के लिए, ये 12 बातें जो आपने सुनी हैं और सीखी हैं, इसको अपने जीवन में अमल करें और निश्चित परमेश्वर आपके जीवनों को बहुत खुशहाली और आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आशीष दें और 2024 आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खुशहाली और आशीष से लेके आए। गॉड ब्लेस यू।